इससे कम से कम ये तो क्लियर हो गया कि जिंदगी को लेके जितने डायमेंशन हो सकते हैं सब पे खुल के बात की जा सकती है। एक तो ये दर्शन इस बात का आश्वासन देता है कि जितनी तरह के भी क्वेश्चन हमारी जिंदगी के हो सकते हैं और जितनी तरह की भी नई परिस्थितियां पैदा हुई, हमारे 20 साल पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जो आज सामने आ रही हैं, जिस पर बात करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हर जगह में, हर डायमेंशन में बहुत प्रैक्टिसेबल ग्राउंड्स पे बात हो सकती है। और पहले शिविर का इतना ही मतलब है कि कम से कम 7 दिन में हमको ये भरोसा हो जाए कि ज़िंदगी मुश्किल नहीं है, जिया जा सकता है और कोई भी क्वेश्चन जो जीने से संबंधित है उसका कोई प्रैक्टिसेबल आंसर हो सकता है और वो सभी के लिए है ना। ऐसा भरोसा हमको ज़िंदगी के लिए मिल जाए फिर धीरे से एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले शिविर का इतना ही मतलब है कि जिया जा सकता है, ज़िंदगी के सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिसेबल आंसर, यूनिवर्सल आंसर, लॉजिकल आंसर हो सकता है। यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को हम क्लासरूम में ला सकते हैं तो ज़िंदगी को भी हम क्लासरूम में ला सकते हैं। जैसे अभी यदि हम पेरेंट्स लोगों से पूछा जाए तो कितनी बार हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों तक कन्वे नहीं कर पाते हैं। कितनी बार ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों तक कन्वे नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि या तो वो अच्छी है नहीं या हमको कन्वे करना नहीं आता, दो ही बातें हो सकती हैं। तो यदि वो अच्छी नहीं है तो फिर हम ही छोड़ दें, और यदि कन्वे करना नहीं आता है तो फिर कन्वे करना सीखना होगा, उसका मैकेनिज्म सीखना होगा, कैसे बात की जाएगी। इन सारी चीज़ों को देखते हैं तमाम। कल भी हमने चर्चा किया था कि ज़िंदगी में कोई भी खुशी मिले, कोई भी उपलब्धि मिले तो हम दीवारों से बात नहीं कर सकते। अल्टीमेटली हमको कोई अपना, चाहे वो दोस्त है चाहे फैमिली है, और कभी भी हम बड़ी उपलब्धियों को पाते हैं तो वो भी अकेले नहीं पाते। जिन भी लोगों के साथ सपोर्ट सिस्टम तगड़ा हो जाता है, सपोर्ट सिस्टम बड़ा हो जाता है, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे फैमिलीज हैं, चाहे समाज के लोग हैं, उन लोग समाज में कोई बड़ा काम, चाहे आप किसी भी फील्ड में बोलो, है ना, चाहे धर्म और अध्यात्म की बात करें, चाहे सामाजिकता की बात करें, चाहे हम राजनीति की बात करें, किसी भी क्षेत्र में अकेला कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर पाता है। अपने दो वक्त की रोजी रोटी जुटा लेना अलग बात है। तो इस सारी चीज़ों को देखोगे फिर फाइनली हम देखेंगे कि अकेले हम हैं भी नहीं। जो चीज़ है ही नहीं, कभी भी जब उससे जूझना पड़ता है तो हमको लगता है कि नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन हम दुख पाना भी नहीं चाहते हैं, दुख पाना नहीं चाहते हैं इसलिए साथ रहना ठीक नहीं है, और फिर अकेलापन भी ठीक नहीं है, यहाँ भी कहीं ना कहीं हमको सालता है। तो आखिर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होगा, वो भी एक दिन में नहीं होगा, लेकिन कम से कम हमको आशा बन जाए, धीरे धीरे उसको देखते हैं। आज दिन भर की कुछ चर्चा हुई थी, मैं सुन रहा था, कुछ नहीं भी सुन पाया, लेकिन जहाँ से हमने छोड़ा था और जो आज आपने किया है उसको गैप को पूरा कर लेंगे। तो कल की चर्चा में कोई कंफ्यूजन आपके मन में हो तो वो एक बार बोल दीजिए। कल से लेके आज तक कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़ आपको तंग कर रही है और एड्रेस नहीं हो रही है तो उसको एक बार बोल दें कि मेरे मन में एक दो हैं, पहले मैं बोल देता हूँ। जैसे इस पूरी चर्चा में ये नहीं कहा जा रहा है कि हमको इंद्रियों के साथ में नहीं जीना है, अपनी पसंद की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, ऐसा नहीं कहा जा रहा। आप अपने पसंद का खाना, कपड़ा, गाड़ी, मकान, जो कुछ भी है सबके साथ जी सकते हैं, लेकिन ये क्लैरिटी रहे कि वो कोई भी प्रकार का इंद्रिय सुख या मोबाइल या कोई भी तरह का घूमना फिरना, अंततः ये स्वयं के प्रति विश्वास, संबंध के प्रति विश्वास और एक भयमुक्त समाज तो नहीं दे सकता है, और वो मेरी ज़रूरत है कि नहीं, ऐसा अपने आप से पूछ लें। यदि यहाँ से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा, वो भी अपने आप से पूछ ले। तो एक तो क्लैरिटी ये हो गई, किसी तरह के आदर्शवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हमको न्यूनतम में जीना है, ऐसा भी कोई मैसेज यहाँ से नहीं दिया गया है। नेचर में रहीसी है तो हम भी रहीसी से जी ही सकते हैं,
उसको समझेंगे। दूसरा, रूप बल धन पद कोई खराब चीज है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, उसको अचीव नहीं करना है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, उसको सार्थक करना है, सफल करना है ऐसा कहा जा रहा है। जैसे आप कुछ लोगों को देखते हो, उनके पद बड़े होते हैं पर आदमी छोटा होता है, ऐसा देखा कि नहीं देखा? कुछ लोगों को देखने से ये स्वीकार होता है कि इसका पद तो बड़ा है, ये आदमी छोटा है। कुछ लोगों को देखने से उल्टा फीलिंग भी आ जाता है, किसी का पद छोटा होता है लेकिन आदमी बड़ा होता है। और पद का क्या मतलब है? पद का इतना ही मतलब है कि आपको एक अधिकार मिला है कि ये कुछ लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपके पास कुछ सुनाने लायक होगा तब ना सुनेंगे, आपके पास कोई विजन होगा, आपके पास कोई क्लैरिटी होगी, नहीं तो ठीक है आपके सामने हाँ में हाँ मिलाएंगे लेकिन परफॉर्म तो नहीं करेगा, टीम तो परफॉर्म नहीं करती है। तो इसका मतलब है कि यदि कोई विजन है उसको ट्रांसलेट करने के लिए पद एक साधन है, ये बात ठीक है? यदि कोई विजन हमारे पास है तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए पद एक साधन है, टीचर भी एक पद है, माता पिता होना भी एक पद है ना। विजन नहीं है तो आप हम आपस अपने में जूझ रहे होते हैं और अपनों के साथ जूझ रहे होते हैं, ऐसा मैं कहना चाहता था। और आपकी तरफ से कोई चीज ऐसी हो जो ठीक से क्लियर नहीं हो रही है तो आप बोल दीजिए, नहीं तो फिर आगे चलो। मतलब मैं ही कंफ्यूज था, आप तो क्लियर हो। हाँ जी, हो गया, आगे चले 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 चलिए। निष्कर्ष के रूप में पहला बोर्ड ये कह रहा है कि पहले बोर्ड को देखें तो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है पहला बोर्ड, क्या कहना चाहता है? एजुकेशन स्किल सिखाता है लेकिन मानसिकता नहीं सिखाता है, जबकि स्किल को यूज करने वाला कौन है? मानसिकता। स्किल को यूज करने, इसलिए बोला बंदर के हाथ में उस तरह। पढ़े लिखे लोगों में से ज्यादा वर्ग की हालत ऐसी हो गई है कि बंदर के हाथ में उस तरह टाइप काम करता है और ये दुखद है। आज हमारी ब्यूरोक्रेसी देश के ऊपर बोझ है, जिन लोगों को हमने सबसे अधिक पढ़ा लिखा और सबसे अधिक जिम्मेदार माना हम उनसे खुश नहीं है, जैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं हम उनसे खुश नहीं है, है ना। जिसको हमने देश की लीडरशिप दिया तमाम जनप्रतिनिधि के रूप में, हमारा, मैं किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो सिस्टम हमारे ऊपर बोझ है। ये आपको क्लैरिटी बनती है ना कि एक एमएलए का मतलब है 5 लाख लोगों का प्रतिनिधि, एक एमपी का मतलब है 20 लाख लोगों का प्रतिनिधि। क्या है प्रैक्टिकली पॉसिबल है 20 लाख लोग एक आदमी को पहचान सके, एक आदमी 20 लाख लोगों को पहचान सके? और जब एक आदमी को 20 लाख लोगों से वोट लेना है तो मीडिया मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आएगा ही, और इलेक्शन जीतने की हमारे यहाँ योग्यता एकदम अलग है, और वो इलेक्शन जीत के एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, अब एजुकेशन मिनिस्टर की योग्यता एकदम अलग है, अब ये दो आदमी कहाँ से लाओ? और फाइनली जिसको एजुकेशन की कोई समझ नहीं है वो पूरी एजुकेशन के डिपार्टमेंट को बताएगा कि तुमको कैसे चलना है, जिसको एजुकेशन की कोई समझ नहीं, किसी चीज की समझ आने में 10-20 साल उसमें बहुत इंटेंसिटी के साथ में लगाते हो तो किसी फील्ड के बारे में हमारा कोई अधिकार बनता है। ऐसे ही आईएएस को भी हमने अवतारी माना हुआ है, जिस भी सीट पे बैठेगा उस सीट पे बैठ कर डिलीवर कर देगा, ऐसा नहीं हुआ, 70 सालों ने ऐसा प्रूव नहीं किया, तो थोड़ा सा हमको फैल के हम माँ बाप के रूप में प्रूव नहीं कर पाए, दूर क्यों जाए? तो क्या गैप समझ में आ रहा है? दूसरा बोर्ड क्या बोल रहा है? दूसरा बोर्ड क्या बोल रहा है? जीना और जिंदा रहना अलग अलग है, हम क्या मान के चल रहे थे?
हम तो यही मान रहे थे, हम तो और हमने जी और बच्चों को बोल रहे जीना हमसे सीखो। घर में लड़ाई किस बात की है? घर में लड़ाई इस बात की है कि आपको लगता है कि जीना हम उसको सीखो, बच्चों को लगता है तुम चुप ही रहो तो ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट के साथ हम लगातार वर्कशॉप्स करते रहे और ये सुखद एक स्थिति रही कि पिछले 5 सालों में कम से कम दिल्ली स्कूल एजुकेशन में एक बढ़िया रिजल्ट आया। उसका श्रेय हमको कम जाएगा, है ना। जो व्यक्ति सीट पे बैठा है उसको एजुकेशन की क्लैरिटी थी। सुखद संयोग था कि 2007 से कभी वो हमारे साथ में लगे रहे और इस सिस्टम को समझने के लिए उन्होंने अपना काफ़ी मन लगाया। उसके बाद ये संयोग था कि सरकार आ गई। तो यदि उस समय ये समझ में आ गया था तो दिल्ली स्टेट का लगातार पिछले 7 सालों से 26% बजट का एजुकेशन में गया, 26%। बाकी स्टेट्स में 4-5%। यूनियन गवर्नमेंट का बजट एजुकेशन में 2% नहीं है, हेल्थ पे 2% नहीं है, डिफेंस पे 30% है। तो हमारा सारा बजट कहाँ जा रहा है? लड़ने की तैयारी, और लड़ने की तैयारी में मोटा कमीशन, ठीक। हमारे घर में भी मोटा बजट उसी में जा रहा है, हम सब आपस में जूझ रहे। दिल्ली टीचर में एक बच्चा कहता है कि मम्मी से अपनी टीचर ने शेयर किया, उसकी बेटी कहती है मामा 10 दिन के लिए ना कहीं चली जाओ, मैं शांति से रहना चाहती। वो इस बात से इतना मैं इतना कुछ करती हूँ फैमिली के लिए और मेरे को बोल रहे हैं तुम 10 दिन के लिए कहीं चले जाओ, हम शांति से रहना चाहते हैं, तो क्या मैं ही प्रॉब्लम हूँ? तो हमको लगता है बच्चों को हम जिंदगी जीने का रास्ता सिखाएंगे, बच्चों को लगता है तुम्हारे पास एक ही काम की चीज है पैसा, बाकी मेरे को अकल है, पैसा दे दो। क्या गैप है? क्या गैप है? क्या गैप है? हमको जिंदा रहना आता है कि जीना आता है? हमको जिंदा रहना आता है, हम जिंदा रहने को जीना मानते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को देख के बच्चा तो परिवार में सारी बात सुनता है ना, हस्बैंड वाइफ आपस में कैसे बात करते हैं, अपने भाई बहनों के लिए कैसे बात करते हैं, अपने माँ बाप के लिए कैसे बात करते हैं, किसी के यहाँ बर्थडे पार्टी में जाना होता है तो गिफ्ट को लेके कैसी चर्चा होती है, किसी के यहाँ जाते हैं तो कौन सी ड्रेस पहनना होता है, है ना। बच्चा तो घर में सब देख रहा होता है। जो बच्चा सब घर में देख रहा होता है तो आपका आचरण देख लिया है ना। जब हम उसको फिर बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं। तो गैप क्या है? गैप यही है कि वो आचरण से ये देख पाया है कि भाई तुम्हारा आचरण तो, बच्चों को देखें उम्र बढ़ने के साथ साथ टीचर्स और पेरेंट्स के प्रति बच्चों का सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? जोर से बोलो, घटता हुआ। तो किसको ठीक होना है? बच्चों को ठीक होना है कि हमको ठीक होना है ना। किसी माँ से दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा होता है वो तो सही को सब देखो कितना घटना कितनी सुंदर है। और खास करके हम टीचर्स को और हम पेरेंट्स को ये बात क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों के बारे में ऐसा मानते हैं कि तो समझना ही नहीं चाहते, ये तो सुनना ही नहीं चाहते, ऐसा हम मानते हैं। एक छोटा बच्चा जैसी भाषा पकड़ता है वो ज़्यादा समय क्वेश्चन पूछता है कि ज़्यादा समय खाने की चीज़ मांगता है? पीछे तक ज्यादा समय एक छोटा बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि ये क्या है वो क्या है ना, या खाने की चीज मांग रहा होता है, क्वेश्चन पूछ रहा होता है। इससे ये सिद्ध होता है। और एक बच्चा भाषा कब सीख लेता है, कितने साल का होता है? 1.5-2 साल मेरे ख्याल से, है ना, 1.5-2 साल। तो 1.5-2 साल के बच्चे को पता है कि मेरी जिंदगी में ज्ञान इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट नहीं है या कम है। 1.5 साल के बच्चे को पता है। हम उसको कहां पहुंचा देते हैं? फालतू बात मत पूछो, बोल ए फॉर एप्पल। प्रैक्टिकल ये है, बी प्रैक्टिकल। तो जब तक कॉलेज में है, स्कूल में है, तब तक प्रैक्टिकल का मतलब मार्क्स कितने आएंगे, और कॉलेज से बाहर निकलने का के बाद प्रैक्टिकल का मतलब है कि पैसा किधर से आएगा। हमारी टोटल कैलकुलेशन इतनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चा जब पैदा हो रहा है तो उसमें तो वो नेचुरल सिम्टम्स हैं, नेचुरल एक्सप्रेशन है कि वो तो ज्ञान को अपने लिए इम्पोर्टेंट मानता है।
इस रूप में देखा जाए, और हम जो बड़े हो गए हैं, हमको ये ठोक ठोक के सिखा दिया गया है कि जिंदगी में पैसा ही एकमात्र उपलब्धि है और पैसे से ही दुनिया चलती है। लेकिन हमारी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमको 60 के बाद पता चलता है कि जिंदगी में क्या कमाया। जो 60 के हो गए हैं उनसे बात करना, और बहुत विनम्रता से बात करना। ईगो से बात करोगे तो कोई अपना मन नहीं खोलेगा। लेकिन जिन चीजों से हम अभी बहुत प्रभावित हैं, ये कोई भी चीज अकेले में तो साथ नहीं देती है। मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास दूसरों को बताने के लिए बहुत कुछ होता है, पर अकेले में बैठ के महसूस कर पाए कि कोई मेरे पास ऐसी शानदार चीज है और खुश होने लायक चीज है, जो किसी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित ना होती हो, किसी व्यक्ति से प्रभावित ना होती हो। जिंदगी में तमाम तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, कभी हम जॉब में होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कोरोना काल में तमाम परिस्थितियां घटी, लेकिन फिर भी कोई चीज़ अपने पास ऐसी है जो हमेशा टिकी रहती है। मेरे को लगता है कि ऐसी कोई चीज़ की तलाश है तो सही हम सबको। तो इसका मतलब है, यदि जीने की बात करेंगे, यदि जिंदा रहने की बात करेंगे, तो सबके लिए एक जैसा है कि अलग अलग है? यदि जिंदा रहने की बात करेंगे तो सबके लिए एक जैसा है कि अलग अलग है? अलग अलग है। ये कभी एक हो सकता है क्या? पूरे संसार के लोग एक ही कलर के कपड़े पहनेंगे, कभी ये होगा? पूरे संसार के लोग एक ही भाषा बोलेंगे, कभी ये होगा? पूरे संसार के लोग किसी एक महापुरुष को मानेंगे, किसी एक धर्म को मानेंगे, ऐसा होगा? जो भी सो कॉल्ड धर्म है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हम सबका खान पान, रहन सहन भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार रहेगा। कोई टुंड्रा में रहता है तो उसके लिए गाय इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, नेचुरल। तो इसका मतलब है कि हमारी मान्यताएं, हमारी जिंदा रहने की हमारी तमाम मान्यताएं और हमारी जीवन शैलियां भौगोलिक स्थितियों पर निर्भर करती है कि हम कहां और किस जगह में रहते हैं और हमारी उम्र क्या है। 60 साल की जीवन शैली अलग हो जाएगी, 10 साल की जीवन शैली अलग है, 25 साल की जीवन शैली अलग रहेगी। तो एक क्लैरिटी हमारी ये बने कि जिंदा रहने के धरातल पर हम सभी हमेशा अलग अलग ही रहेंगे, लेकिन इसमें कोई विरोध है क्या? मैंने व्हाइट पहना, आपने नीला पहन लिया, किसी ने काला पहन लिया, इसमें कोई विरोध है क्या? कोई दो रोटी खाता है, कोई चार रोटी खाता है, इसमें कोई विरोध है क्या? कोई नमक कम खाता है, कोई नमक ज़्यादा खाता है, कोई 9 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है, इसमें कोई विरोध है क्या? विरोध भी हमारी मान्यताओं की वजह से। बोले अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, ये जो अर्ली उठे इन्होंने किया क्या? ये भी आपस में लड़ी रहे थे। बच्चा पूछ देता है, तुम्हारे अर्ली उठने से हो क्या गया? कहता है मैं 10 बजे उठूंगा। तो 10 बजे उठूंगा इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई है कि कोई 10 बजे उठता है? हाँ, ये हमको हमारी कंडीशनिंग से हम बोल रहे हैं या हम किसी लॉजिक से, किसी बहुत तथ्यात्मक बात से? हाँ, शरीर की एक मर्यादा है। क्या मर्यादा है? शरीर का इनपुट आउटपुट का टाइम मेंटेन करना पड़ता है। शरीर एक बायोलॉजिकल मशीन है, तो शरीर में खाना कब डालेंगे और पेट कब साफ होगा, ये हमको डेली का कोई एक टाइम तय करना होगा। शरीर की वो स्थिति नहीं है कि मैं सोचने से मेरा पेट साफ होगा, ऐसा नहीं होता है। पेट बायोलॉजिकली साफ होता है, उसका एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है। भूख का भी ऐसा नहीं है कि जब मैं चाहूंगा तब भूख लगेगी। तो इसका मतलब है कि मेरे चाहने पे भूख और पेट का साफ होना निश्चित नहीं है। तो मेरे को भूख और पेट का साफ होने का टाइम मेंटेन करना होगा। वो टाइम डेली का सेम रहे, फिर आप रोज रात को 2 बजे सो, रोज सुबह 10 बजे उठो, क्या दिक्कत है? ऐसे भी फॉरेन के अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाते हैं, टाइम तो बदल ही जाता है ना, कहाँ टाइम सेम रहता है? हमारा एक मित्र कनाडा में कहाँ रहता है, वहाँ 3 घंटे ही रात होती है, 3 घंटे भी पूरा अंधेरा नहीं होता है, उसके बाद फिर दिन निकल आता है। तो वहाँ तो लोग घड़ी से ही चलते हैं, सूरज को देख के नहीं चल सकते। तो इसका मतलब अमेरिका में जाते हैं तो जहाँ रात होती है उधर दिन होता है, तो हम तो उल्टे ही जग रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी जगह ठीक है, सूरज अपनी जगह ठीक है, लेकिन मानव के पास वो अधिकार है कि वो अपनी दिनचर्या को अपनी स्थितियों के अनुसार सेट कर सकता है, और यदि उसका अपना रूटीन मेंटेन्ड है तो उसमें कोई परेशानी नहीं। ऐसी बात करेंगे तो बच्चे सहमत होंगे कि नहीं होंगे, है ना? हम तो उनसे जूझ रहे, स्ट्रगल कर रहे छोटी छोटी बात पे। बच्चा सुबह उठ गया, उसने बिस्तर की वो चादर की चादर घड़ी नहीं किया। कितने लोगों को इस बात पर झगड़ा होता है घर में, बच्चे ने उठने के बाद चादर घड़ी नहीं किया। अरे तुम्हारा ही बच्चा है, पड़ोसी का थोड़ी है, तुम कर दो, क्या बात है? वो जब माँ बाप बनेगा वो भी कर लेगा, हो सकता है घड़ी माँ बाप बनने के बाद ही करते। मैं अपने बच्चे के कमरे में जाता हूँ, उसकी चादर घड़ी नहीं रहती है, मैं उसको चादर घड़ी करने में बहुत प्यार आता है,
तो मैं कर देता हूँ। अब वो बाप बन गया, अब करने लगा है। क्या दिक्कत है इसमें? तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हम जूझने के लिए ही बने हैं। हम बहुत मेहनत करके दुख पा रहे हैं और रोज नई मेहनत ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों? क्योंकि जिंदा रहने और जीने को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। जीने की दुनिया के नियम अलग हैं, जिंदा रहने की दुनिया के नियम अलग हैं। ये दो अलग दुनिया है, इसको पहचाने बिना ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उतर आए आपके साथ, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नियम ही अलग है। तो ये क्लैरिटी हम, और कितने प्रतिशत लोग हैं जो जिंदा रहने को जीना मान के जी रहे विश्व में? पूरे विश्व में कितने प्रतिशत लोग होंगे? और सबका हाल देख लो, रिजल्ट देख लो। फाइनली किसी एक परिवार में एक रिश्ता ता उम्र शिकायत मुक्त मिल जाए, नहीं मिल सकता, इस बात की गारंटी है। पूछने की जरूरत नहीं है मुझको, पूछने की जरूरत नहीं। क्यों पूछने की जरूरत नहीं है? क्योंकि यदि जिंदा रहने को जीना मान ले तो जीना नहीं होगा, ये पक्का। जिंदगी तो नियम से चलती है। तो इसका मतलब है यदि हमारा ये क्लैरिटी नहीं बनेगा, अब जीने की दुनिया के नियम सबके लिए एक है कि अलग अलग है? जीने की दुनिया के नियम सबके लिए एक है कि अलग अलग है? जीने का स्वरूप सबके लिए एक है कि अलग अलग है? वहां आप चाह के भी कुछ नहीं कर सके। इधर इधर अलग अलग है, आप इसको एक नहीं कर सकते। उधर ये एक है, आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो हमारी स्ट्रगल क्या है? हमारी स्ट्रगल केवल इतनी है कि हम जिंदा रहने को जीना मान रहे और जिंदा रहने की दुनिया में जीने का सुकून ढूंढ रहे। सुख कहाँ की जरूरत है? जिंदा रहने की जरूरत है कि जीने की जरूरत है? वो जीने वाले पार्ट की तैयारी है। सम्मान जिंदा रहने वाले, जिंदा रहने का मतलब है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, आने जाने के लिए गाड़ी ठीक ठाक हो, रहने के लिए मकान ठीक ठाक हो, खाना पीना बढ़िया हो, है ना? इसका नाम जिंदा रहना है। इसके लिए हम कोई काम करते हैं, उससे चार पैसे आते हैं, उससे हमारा घर चल जाता है, ये एक दुनिया पूरी हो गई। लेकिन मेरा स्टेट ऑफ माइंड, ऐसे तमाम लोग हैं जिनके पास कितना पैसा है वो गिन नहीं सकते हैं और उनके घरों की हालत एकदम बर्बाद है, नर्क हो रखा है घर में। तो पैसे से इसका कोई लेन देन नहीं, पद से इसका कोई लेन देन नहीं। अब ये दुनिया कैसे खुलेगी? बस इतना ही काम हमको अपने 6 दिन में करना है कि हमको एक क्लैरिटी हो जाए कि जीना किसको बोल रहे हैं और जीने की दुनिया को हम कैसे को बोर्ड साफ। वो पीछे वाले कॉलम छोड़ देना, बस दो, बाकी पूरा साफ। एक और ये ले लीजिए, ये मेरे लिए है कि बोर्ड के लिए है? हाँ, सब साफ कर। देखिए, खुशी की बात यह है कि हमारी सभा में ऐसे तमाम लोग हैं जो एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जो यूनिवर्सिटी चलाते हैं, जो वो सारे स्कूल सिस्टम चलाते हैं। यदि हमारी ये क्लैरिटी बनेगी तो ये आवाज़ दूर तक जाएगी और मैं आपको बहुत आराम, बहुत जितनी मेहनत अभी कर रहे हैं इससे आधी मेहनत में जिंदगी बहुत आराम में चले। तो बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, हार्ड वर्क से कुछ नहीं निकलता, बेकार परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या करना है? हार्ड वर्क कर करके हम लोग हार्ड हो गए, फिर बच्चों को बहुत सुनाते हैं हमने ऐसा स्ट्रगल किया, हमने वो कह यार तुमने किया तो मैं करूंगा जरूर थोड़ी। कितने लोग सुनाते हैं अपने बच्चों को हमने बहुत स्ट्रगल किया है? अब नहीं उठाओ, हमारे पास अब क्या है? जब मानता नहीं है तो यही सब सुनाने के लिए और क्या करे? कहते यार तुम बैलगाड़ी में चले तो मैं बैलगाड़ी में चलूंगी, जरूरी है क्या? तब लगता है हाँ बोल। तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चों के लॉजिक के सामने हमको अपना लॉजिक छोटा पड़ता हुआ दिखाई देता है और बहुत सम्मानजनक वापसी करनी पड़ती है, ये देख के इज्जत बचानी पड़ती है। एक बहन ने सब बातें सुन के उठ के बोली कि आपको हमारे घर की बात कैसे पता चली?
सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए तो सबके घर एक ही टाइप के चलते, ज्यादा फर्क नहीं। पानी ले ना, बीसी साहब नहीं दिख रहे आज। अच्छा, एक जगह बैठो, रिलैक्स। हाँ जी, चले चलिए। देखिए, हम लोग, हम और हमारे सभी मित्र देश में और देश के बाहर मिलके इस मेहनत को करते हैं और इस आशय से करते हैं कि जिस तरह से हम लोग अपनी जिंदगियों में जूझे हैं और बहुत मेहनत करके भी जिन सफलताओं को पाया, जब उन सफलताओं को पाया तो उनसे वो खुशी नहीं मिली जितनी उनकी कल्पनाओं से मिली थी, है ना। और ये घटना लगभग हर आदमी की जिंदगी में घटती है, छोटे रूप में घटे, बड़े रूप में घटे। तो इतनी मेहनत करके जब 60 में पहुंचे, 50 में पहुंचे, तो किसी खुशहाली के साथ हों और नौजवान लोगों को देख के लगे यार इनसे बात करना चाहिए। हम जिंदगी में उपलब्धियों से भरते जा रहे हैं और हमारे बच्चे हमसे भागते जा रहे हैं, ये कैसी उपलब्धि हुई? ये उपलब्धि तो तब है ना जब नौजवान पीढ़ी आपसे आके पूछे यार तुम ऐसे कैसे हो गए, हमको भी बताओ, हम भी होना चाहते। कैसा लग रहा है, गलत कह रहा है? हमारे बच्चों की जेब में हमारा फोटो रहता है, किसी और का रहता है? मेहनत सारी हम कर रहे, फोटो किसी और का है। क्या मजाक, ऐसा सोचते हो कभी? नहीं सोचते, नहीं सोचते, सोचते उनकी लाइफ। चलिए, तो धीरे धीरे खुलता है। मेरे कपड़े में ना वो इसका वो क्या बोलते कार्टेज, ब्लैक कलर का बैग होगा, उसमें बाहर रखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ से चर्चा शुरू करें? जब से दिल्ली गवर्नमेंट में हम लोगों ने हैप्पीनेस करिकुलम किया, तब से कई एनजीओ के लिए रोजगार खुल गया है। हम तो किसी सरकार के पास जाते नहीं है कि भाई तुम हमसे काम करवा लो या हमारे साथ काम कर लो, क्योंकि हम तो इससे पैसा नहीं कमाते हैं। लेकिन बहुत सारी एनजीओज को एक पैसा कमाने का नया एक बड़ा दरवाज़ा खुल गया है, तो उन्होंने तमाम सरकारों के साथ MOU साइन करने शुरू कर दिए हैं। हमको भी पता है कि हम इतने लोग हैं ही नहीं कि सारी जिम्मेदारी कर पाएं, तो जब तक दो चार साल करके वो थक लेंगे और रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो हम तक पहुंचेंगे, तब तक हम लोग इतने मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये सोच के आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि पैकिंग से अब काम नहीं चलेगा। यदि आदमी के साथ जमीन पर रिजल्ट डिलीवर होना है तो वो किसी प्रमाण के साथ होगा, वो कॉपी पेस्ट नहीं होता है, जिंदगी कॉपी पेस्ट नहीं होती है। तो चलो हम चर्चा शुरू करते हैं कि फिर जीना क्या है। ब्लू वाले बदल देना, ये ब्लैक भी कम पड़ रहा है, इसको ब्लू वाले तो रखें। जीना क्या है, क्या बोलेंगे? जिंदा रहना क्या है, इसमें कोई शंका नहीं है। जीना क्या है? स्वयं के प्रति विश्वास। तो जहां से छेड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। इतना ही कह रहे हैं, स्वयं के प्रति विश्वास।
स्वयं के प्रति कब आएगा विश्वास? मैं जब समस्याओं के साथ होता हूँ तब मैं स्वयं के प्रति विश्वास के साथ होता हूँ, कि मैं समझण के साथ होता हूँ, समाधान के साथ होता हूँ, तब मैं विश्वास के साथ होता हूँ? समाधान के साथ, समझण के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे पास, कल भी जैसे हमने चर्चा किया, फिर से पूछ लेता हूँ, हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। हाथ उठाओ, उठाते रहना ऐसे साथ दिन। हाँ, ये कल ही बताया था। कैसे चलेगा ऐसे? मतलब स्टूडेंट बनते ही अपन स्टूडेंट जैसे हो ही जाते हैं, ऐसा है? कल ही ये चर्चा हुई थी, हम समस्याओं से परेशान होते हैं कि समाधान का ना होना हमारी परेशानी है? तो हम समस्याओं से कभी परेशान नहीं होते, समस्या जैसी कोई चीज होती भी नहीं है, है ना? देखो, हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, 4 लाख 5 लाख रुपए देते हैं और अपना पेट उससे फड़वाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये सोल्यूशन देने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी गाड़ी खराब हो गई, वो मैकेनिक के लिए प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है? है ना, वो अपॉर्चुनिटी है। और धीरे से हमारा ध्यान जब जिंदगी पे जाएगा, जो भी देखो यहाँ जितनी चर्चा हो रही है वो कोई सुनने सुनाने का मामला नहीं है, सूत्र है, सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। ये पीपीटी प्रेजेंटेशन से दुनिया चलने वाली नहीं है, जिंदगी से ही चलेगी। जिंदगी चलेगी तो जिंदगी से ही चलेगी। सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। जीने में नहीं आ रहा है, इसका मतलब समझा हुआ नहीं है। समझने का मतलब ही है कि आचरण है, आचरण नहीं है इसका मतलब समझा हुआ नहीं है। मेमोरी में है, मेमोरी से आप लॉजिकल डिलीवरी कर ही सकते हो। तो क्या मतलब हुआ, क्या बात कर रहे थे? दुनिया में कोई भी व्यक्ति समस्या से कभी भी पीड़ित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। हर समस्या अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, यदि हमारे पास सॉल्यूशन है तो। जैसे आज मेरी, कल हो सकता है, मुझको नहीं पता है, मैं रूटीन में गेहूं की रोटी खाते हैं हम लोग, तो यहाँ ज्वारी की रोटी थी, तो मेरे को लगा शायद ज़्यादा अच्छी होती होगी पेट के लिए। तो हो सकता है क्या चीज़ से हुआ मेरे को नहीं पता, लेकिन गैस काफ़ी रहा। लेकिन मेरे को गैस होना, मेरा क्लास में ना आना समस्या थी कि अपॉर्चुनिटी थी? कमल जी के लिए अपॉर्चुनिटी थी कि नहीं? कमल जी ने पूरा लाभ उठाया कि नहीं? तो हर समस्या, हर कोई परिस्थिति, ऐसे ही कोई ना कोई, ऐसा कहते हैं कि जिंदगी में एक दरवाजा बंद होता है तो पहले दो खुलते हैं तब एक बंद होता है। लेकिन हमारा ध्यान बंद हुए दरवाजे की तरफ जाता है, इसलिए हम रोते गाते हैं। खुले हुए दरवाजे की तरफ हमारा ध्यान जाएगा तो कभी रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है। हमारा अधूरापन मात्र इस बात का है कि हमको प्रकृति की, नेचर की, हमारी खुद की जिंदगी की समझ नहीं है। तो हम समस्याओं से पीड़ित होते हैं कि नहीं? नहीं होते, नहीं होते। तो हम समस्याओं से पीड़ित नहीं होते हैं। समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है। इसका मतलब है कि हमारे पास जिंदगी के सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिसेबल आंसर हो, इसका नाम जीना है। हमारे पास जिंदगी के सभी क्वेश्चंस के प्रैक्टिसेबल आंसर हो, इसका नाम जीना है। एक आदमी की जिंदगी में कितने प्रश्न हो सकते हैं, गिना जा सकता है कि नहीं? एक आदमी की जिंदगी में कितने प्रश्न हो सकते हैं, गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे बात हो रही है, नहीं गिन सकते हैं। और अपने सारे घर वालों के मिला के और सारे संसार के मिला के, गई भैंस पानी। तो देखिए, कहा यह जा रहा है कि मानव के पास, तो मैंने पूछा कि कितने प्रश्न हैं, तो ऐसे ही आंसर आता है कि अनंत प्रश्न हैं।
अनंत का मतलब है जिसको गिना नहीं जा सकता है। जिसको गिना नहीं जा सकता है तो उसके आंसर भी नहीं हो सकते हैं, इसलिए जीना भी नहीं हो सकता है, इसलिए बात खत्म हो जाती है। अब प्रपोजल ये है, आप असहमत होने का प्रयास बनाए रखें पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि मानव जाति के पास मूल प्रश्न केवल दो हैं, क्यों जीना है और कैसे जीना है। मूल प्रश्न केवल दो हैं, इनका उत्तर ना मिलने से हमको अनंत प्रश्न जैसा लगता है। क्यों जीना है का मतलब है कि मैं जिंदगी में पाना क्या चाहता हूं, जिंदगी में मेरा लक्ष्य क्या है, और कैसे जीना है का मतलब है जो मैं पाना चाहता हूं उसके पाने का तरीका क्या होगा, उसकी विधि क्या होगी। इतना ही काम है, 80 साल दो क्वेश्चन, इतना सा काम है। खूब असहमत होने का प्रयास करें, पूरा दम लगाएं, तीसरा क्वेश्चन ढूंढें। बोलिए बोलिए, माइक लीजिए, माइक लीजिए। हाँ जी, सभी से अनुरोध है खूब दम लगा के तीसरा क्वेश्चन ढूंढें। आपने कहा है कि अनंत होता है। वो तीसरा सवाल नहीं है, लेकिन एक बहुत ही कॉमन सुनने में आता है जब लोग ये बोलते हैं क्यों जीना है और किसके लिए जीना है, तो कैसे जीना है के बीच ये क्वेश्चन 50 के बाद ज्यादा आता है, किसके लिए जीना है। नहीं, ये सुना हुआ है, काफी कॉमन है, मतलब मैं सुनती हूँ लोग बोलते हैं कि क्यों जीना है और किसके लिए जीना, किसके लिए जीना है, ये क्वेश्चन आता कहाँ से, पहले इसको सोच के देखो। आप ठीक बोल रहे हैं, कॉमन है, बहुत ही सुनने में आता है। क्यों आता है? कैसे जीना, जब आपने बोला, मैं इसके पहले बोलने वाली थी कि क्यों जीना है, किसके लिए जीना है। किसके लिए जीना है का मतलब क्या है, वो मींस मुझे, मैंने सुना है, ये सुना है। कोई बात नहीं, सुन लिया, अच्छी बात है, पर आप सोच तो सकते हैं ना। हाँ, तो ये किसके लिए जीना है, ये क्वेश्चन आ किस बैकग्राउंड से, मतलब मैंने तो नॉर्मली ये जो आता है ये फैमिली में ही लोग एक दूसरे के लिए बोलते हैं, जब शायद में भी वो जो कहते हैं रिलेशनशिप में जहाँ कहीं कमी होती है तो। एक तो ये हुआ कि जिनके लिए हम 60 साल तक 50 साल तक जिए, उनकी तरफ से ऐसा कोई वापस लौट के धन्यवाद नहीं आया, ऐसा कोई फीलिंग नहीं आई कि मेरे को लगा हो कि मैंने तुम्हारे लिए जिंदगी लगाई। उनके पास ये सवाल शायद तभी आता है ना, जब वो ये बात ही नहीं समझ पाए कि स्वयं के प्रति विश्वास और स्वयं के जीवन। वही कह रहा हूँ, इसलिए मैंने कल भी जब हम चर्चा कर रहे थे कि मान लो मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरा बेटा बहुत अच्छा, मेरे पिताजी, मेरे घर के सब लोग बहुत अच्छे, क्या करेंगे वो मेरे साथ, मेरे को दुख नहीं देंगे, मेरे शरीर का ख्याल रखेंगे, लेकिन मेरी स्टेट ऑफ माइंड को तो मैं झेलूंगा कि नहीं झेलूंगा। मेरे को दूसरों को देख के इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है, इसमें मेरी पत्नी क्या करेगी। मेरे को दूसरों को देख के अपने आप में असफल महसूस होता है, इसमें मेरी पत्नी और मेरे पिताजी क्या करेंगे। तो मेरी स्टेट ऑफ माइंड जैसी है, यदि वो उसमें कंफ्यूजन है, कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनसिक्योरिटी है, भूतकाल की पीड़ा है, वर्तमान से विरोध है, भविष्य की चिंता है, इसमें घर वाले क्या करेंगे। इसका मतलब है मैं मेरी स्टेट ऑफ माइंड को झेलता ही हूँ या मेरी स्टेट ऑफ माइंड को भोगता ही हूँ। अब उसकी अच्छी स्थिति है तो कुछ अच्छा फील गुड बना रहता है, और नहीं तो लो फील होता है। तो ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, इसको हैंडल करने का तरीका मेरे पास, मेरे को गाड़ी चलाना आता है, अपने भाव और विचार चलाने नहीं आते। तो किसके लिए जीना है, या तो ये उधर से आता है कि जिनके लिए जिए उनके साथ जी के कोई संतुष्टि नहीं मिली है, या फिर ये बेसिकली क्वेश्चन है कि क्यों जीना है, फिर ये उधर चला जाता है। तो किसके लिए जीना है, ये दोनों जगह में जाता है। अब वो बोलने वाले को पता है कि वो क्या कहना चाहता है। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन, माइक। सर, क्यों जीना है उसमें कैसे जीना है शामिल है क्या नहीं, मतलब ऐसे लिंक देखेंगे तो बैठ जाता है, पर क्यों जीना है अपने आप में। जैसे मैं आपसे पूछूं, अभी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा ज्यादा प्रयास
क्यों जीना है को लेके है कि कैसे जीना है को लेके, कैसे जीना है, जॉब कैसी होगी, गाड़ी कैसी होगी, मकान कैसा होगा, है ना। तो बेसिकली हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में किसके साथ बात करना है, किसके साथ कम बात करना है, किसके साथ दोस्ती बनाना है, तो बेसिकली अभी हमारा ज्यादा प्रयास कैसे जीना है को लेके है, क्यों जीना है मिसिंग है, क्यों जीना है पे चर्चा नहीं है। अब बहुत प्रैक्टिकली सोच के देखें कि आप घर से निकलेंगे सूटकेस लेके कहीं जाने के लिए, तो पहले आपको पता होता है कि सूटकेस लेके निकल जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि मेरे को कहाँ जाना था। आप किसी से 2 घंटे मिलने के लिए निकलते हो तो पहले किससे मिलने जाना है, क्यों मिलने जाना है, जिस काम के लिए मिलने जाना है उसके लिए सामने वाला कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि नहीं है, और फिर उससे समय मांगते हैं, उसका एड्रेस मांगते हैं, उससे परमिशन लेते हैं कि भाई आ रहे हैं मिलने, है ना, ताकि हमारा टाइम खराब नहीं हो। 80 साल के सफर पे निकले हैं, कहां के लिए निकले भाई, 2 घंटे के लिए निकले हैं तो इतनी तैयारी, 80 साल के निकले हैं कोई तैयारी नहीं, क्या सोच के निकले हुए हो, कहां जा रहे हो भाई। कहां जा रहे हैं? हाँ, भेड़ चाल। ये भीड़ शब्द से भेड़ शब्द बना होगा, कभी कभी ऐसा सोचता हूं। भेड़ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सामने वाली कुएं में गिर रही तो पीछे पीछे सारी कुएं में गिर जाती, तो हम भी उसी भेड़ की तरह से हैं, उसी भेड़ चाल की तरह से हैं, जो अपने में कुछ नहीं सोच रहे हैं। मेरे को 22-23 साल की उम्र में ये सोचना शुरू हो गया कि ये गाड़ी जिधर जा रही है ठीक नहीं दिख रही, ठीक वहां से सोचना शुरू किया, तो मेरा परिवार और तमाम मेरे ऑफिस के लोग और तमाम मेरे शुभचिंतक ये बोलते थे कि जो तुम अभी सोच रहे हो ये 50 के बाद सोचने का काम है, ये अभी सोचने का काम नहीं है, जिंदगी भर भटकने का काम है, जब हाथ पैर टूट जाए जब जिंदगी की दिशा ढूंढना है। ये कैसी मान्यताएं हैं। तो 24 तक मैं ये निष्कर्ष ले पाया कि आज तक जो कुछ भी मैंने सोचा है किया है वो किसी परिवार या किसी समाज के कहने से किया है, या उसके दबाव में किया है, या उसके प्रभाव में किया है। अब तक मैंने अपनी जिंदगी नहीं जिया, मैंने कोई निर्णय नहीं लिया। मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ क्योंकि मैं जिस परिवार में पैदा होता हूँ वहाँ पैंट शर्ट पहनते हैं, मैं हिंदी बोलता हूँ क्योंकि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ, या मैं शाकाहारी हूँ क्योंकि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ, है ना, मैं दिवाली मनाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ क्योंकि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ। तो मैंने ये सोचने की कोशिश की कि क्या मैं ऐसा करता हूँ जो मैं समझ के करता हूँ, तो कुछ नहीं निकला। वहां से तय किया कि अब मैं सोचूंगा और मैं निर्णय लूंगा, फिर घर परिवार बाहर वालों की सहमति हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी क्योंकि आपके हिसाब से जिसको आप अच्छा कहते थे वो मैंने जी के देख लिया, इंजीनियरिंग करके देख लिया, उसको भोग के देख लिया, और इसमें जिंदगी नहीं है ये भी मैंने देख लिया, अब यहां से मैं निर्णय लूंगा। तो मैंने निर्णय लिया कि पहले तो दिल्ली की जॉब, दिल्ली में जॉब करने का मतलब है कि 8 घंटे की जॉब, 2 घंटे का जाना, 2 घंटे का आना, कुल मिला के 12 घंटे और जिंदगी तमाम। उसके बाद इतनी ऊर्जा आपके पास बचती नहीं है, तो ये तय किया कि जिंदगी को ढूंढना है तो पहले जॉब से मुक्ति पाना। जॉब छूटने की चिंता में मेरा 3 महीने में 3 kg वेट लूज हुआ। जॉब कैसे छूटे, जब आप गृहस्थ हैं, एक बच्चा साथ में है और आपको नौकरी छोड़ना है तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। फाइनली तो खबर हमारे MD तक पहुंच गई, ये जॉब छोड़ने का सोच रहा है और कुछ कुछ बहकी बहकी बातें करता है। और MD ने हमको बुलाया, वो तो मुश्किल से 1-2 मिनट का भी बात करते थे हम लोगों से, हम लोग तो बहुत जूनियर लेवल पे थे। तो उन्होंने बुला के मेरे को 2 घंटे में से डेढ़ दो घंटे बात किया और मेरे को मैस्लो थ्योरम समझाया। मैस्लो थ्योरम, हम लोग तो साइंस के स्टूडेंट थे, हम लोग तो पढ़े नहीं थे, मैस्लो थ्योरम समझते, मैस्लो थ्योरम नहीं समझते। मैस्लो थ्योरम का मतलब है कि हायरार्की है कि सबसे पहले आदमी फूड को सुनिश्चित करता है, फिर सिक्योरिटी को सुनिश्चित करता है, फिर रेस्पेक्ट को, फिर सेल्फ स्टीम को, ऐसा ऐसा हायरार्की। तो 2-1.5 घंटा मेरे को समझाया और बोले देखो तुमको मेरी कंपनी ठीक नहीं लग रही है, तुम्हारा किसी काम से मन नहीं लग रहा है तो मैं तुमको किसी दूसरी कंपनी में रेफर कर देता हूँ, ये उम्र ये सब सोचने की नहीं है, है ना, अभी तुम्हारे पैसे कमाने के दिन है, तुम कल को तुम्हारे शादी हो जाएगी, घर में TV नहीं होगा, बच्चे पड़ोस के घर में देखने जाएंगे, ऐसा वैसा उन्होंने बहुत सारा समझाया।
वो डेढ़ घंटे बोले, मैं लास्ट में एक लाइन बोला, उन्होंने मेरे को शुभकामना दे दिया कि तुम जाओ। वो एक लाइन जो बोली बहुत काम की थी, वो एक लाइन ये थी जो वो डेढ़ घंटा बोल लिए, तो मैं उसको पूछा कि बोलो अब तुम क्या कहना चाहते हो, ऐसा मेरे से पूछे, बिना पूछे तो बोल नहीं सकते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर भगवान को खिला हुआ फूल अर्पित करते हैं कि मुरझाया हुआ? बोले तुम जाओ। तो जब मैं जॉब से रिजाइन करना चाहता था तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास ना कोई ऐसा पैसा था, ना कोई गॉडफादर था, ना कोई फिलॉसफी थी, ना कोई किताब थी, ना घर की सपोर्ट थी, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कैसे किया जाए। एक लाइन जिसने मेरे को बहुत ताकत दिया कि जब मैं 70 कहूंगा तो अपने आप को क्या जवाब दूंगा कि तुम जिंदगी भर क्या की? आंसर दो तीन दिन तक खोजता रहा तो फाइनली आंसर निकला कि जब मैं 70 का होऊंगा तो मेरे को लौट के पीछे ना देखना पड़े और पछताना ना पड़े कि उस मोड़ पे ये निर्णय ले लिया होता तो ऐसा हो जाता। तो मेरे पास एक ही लाइन हो, जो मैं कर सकता था मैंने किया, जो सामने है स्वीकार है, जो मैं कर सकता था मैंने किया है, इसलिए मेरे एग्जाम में कभी कम नंबर नहीं आए और मैं कभी टॉपर भी नहीं रहा, मीडियोकर ही रहा, लेकिन मैं हमेशा अपने नंबर से खुशी रहता था क्योंकि मेरे सोचने का तरीका ऐसा ही था कि जितनी मेहनत की उतने आए कि नहीं आए, हमेशा ही ज्यादा आते थे, तो मैंने जितना मेहनत किया उतने मार्क्स आए कि नहीं आए तो हमेशा ही ठीक आते थे, दो चार कम दो चार ज्यादा, मैं तो स्वीकार होता ही है। तो जिंदगी में भी वही फॉर्मूला लगाया कि यदि आखिरी समय में पछताना नहीं पड़ेगा, रिपेंट करना नहीं पड़ेगा और अपने भीतर ये भाव बना रहेगा कि मैं जो कर सकता था मैंने किया, जो रिजल्ट है सामने है, दुनिया मेरे को असफल भी माने लेकिन मेरी खुद की नजरों में मैं सफल बना रहा हूं, सफल ना भी हूं लेकिन कम से कम सुकून रहे कि मैं जो कर सकता था मैंने किया, तो मेरे को लगता है दोस्तों कि हम दूसरों से परेशान नहीं होते, दूसरों के मूल्यांकन के शिकार तब होते हैं जब हमारा स्व मूल्यांकन नहीं होता है, सेल्फ असेसमेंट नहीं होता। जिनके पास अपना सेल्फ असेसमेंट होता है उनको दुनिया के दुनिया में दूसरे किसी का असेसमेंट प्रभावित नहीं करता। तो उस समय मेरे पास कोई ठोस असेसमेंट नहीं था लेकिन कम से कम एक क्लैरिटी आ गई कि जिंदगी में पछताना नहीं पड़े, जिंदगी में लौट के पीछे देखना नहीं पड़े, अपनी आंखों से आंखें मिला सकें, अपने में शर्मिंदा होना ना पड़े, फिर उसके लिए जो समझ में आता है किया जाए। उसके बाद खोने के लिए कुछ नहीं था, उसके बाद हिम्मत ही हिम्मत थी, उसके बाद साहस ही साहस था, क्योंकि बर्बाद भी हो गए ज्यादा और क्या हो सकता है। और लोग मेरे को बोलते थे तुम जिस राह पे चल रहे हो तुम बर्बाद हो, तुम्हारी बीवी तुमको छोड़ के चली जाएगी और बेटा तुम्हारी सुनेगा नहीं। मैंने अपनी वाइफ को कभी 5 रुपए का गिफ्ट नहीं दिया, हमने आज तक 2 पिक्चरें साथ में देखी, घूमने के नाम पे भी ऐसा कोई बहुत गए, कभी योग संयोग से आत्मे में शिविर लेने आता था तो एक बार स्वामी जी ने वो गुजरात में कुछ घूम घाम लिए थे, एक बार कुछ नॉर्थ में घूम घाम, ऐसे अलग से घूमने जाते हैं ऐसा भी नहीं है। मेरी वाइफ का जो मेरे को सपोर्ट है और मेरी फैमिली का, मेरे बेटे का, मेरे जो सपोर्ट है वो हो सकता है 90% परिवारों में नहीं होगा, उससे बेहतर सपोर्ट है। तो इससे समझ में आया, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, उससे कुछ कहना चाहता हूँ और जीने की दुनिया के बारे को शेयर करना चाहता हूँ कि मान लीजिए मुझको 1,00,000 रुपए की जरूरत है और मैं किसी एक व्यक्ति के पास जाता हूँ, उससे बात करने से ये समझ में आता है कि उसके पास है नहीं पर देना तो चाहता है। मैं दूसरे व्यक्ति के पास जाता हूँ, उससे बात करके लगता है कि है तो सही पर देना नहीं चाहता। दोनों में रिजल्ट क्या निकला? पैसा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। लेकिन मैं किससे दुखी होता हूं और किससे दुखी नहीं होता, है ना? है और दिया नहीं, तो मैं वस्तु ना मिलने से दुखी हुआ कि भाव ना मिलने से दुखी हुआ? तो हम एक दूसरे से दुखी हैं, वस्तु ना मिलने से दुखी नहीं है, भाव ना मिलने से दुखी है। और मेरे को भाव देना आता है, भाव वो चीज है जिससे आप पूरी दुनिया खरीद सकते हो, ठीक?
फिजिकल दुनिया की भी जितनी अचीवमेंट है वो भी किसी के विचार का मैनिफेस्टेशन है, और विचार किसी भाव का मैनिफेस्टेशन है। फाइनली आपने एक बड़ी इंडस्ट्री, बड़ा इंडस्ट्री बना लिया है, वो भी आपकी इच्छा शक्ति का, वो भी आपके संकल्प का एक्सप्रेशन है। तो भौतिक तमाम उपलब्धियां भी भाव का एक्सप्रेशन है। हाथ पैर शरीर से देखें तो हम कोई बहुत अलग अलग लोग नहीं है, सबके एक ही जैसे हैं। मेल या, कल भी चर्चा हुई थी कि मेल या फीमेल, 5 फुट या 6 फुट, वजन 60 किलो या 80 किलो, सभी के पास 2 पैर 2 हाथ, कोई खास फर्क नहीं है। फिर इतना फर्क क्यों है हम आप में? ये भाव और विचार का फर्क है कि शरीर का फर्क है? फाइनली दुनिया भाव और विचार पे चलती है। इस भाव और विचार की हमने गाड़ी की क्वालिटी को पहचाना है, कपड़े की क्वालिटी को पहचाना है, मकान और बाथरूम और रसोई की तो पूछो मत। बाथरूम और रसोई बनाने में पूरी ताकत लग जाती है, ठीक, लेकिन भाव और विचार की कोई क्वालिटी होती है, और भाव और विचार की क्वालिटी से जिंदगी की हर क्वालिटी होती है, इसको हमने बहुत गहराई से अभी नहीं पहचाना है। वो मोटिवेशनल बुक्स आती ना, थिंक बिग है ना, ऐसा तमाम तरह की बात करते हैं, लेकिन सही अर्थों में देखा जाए तो ये भाव और विचार की दुनिया पे जिसका अधिकार आ गया, जिसके लिए ये दुनिया खुल गई, उसके लिए उसकी फिर अपनों से बात हो जाती है, और जिसकी अपने से बात हो जाती है उसकी अपनों से बात हो जाती है। समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट कर देता। जिसकी जिंदगी में भाव और विचार की दुनिया खुल गई, देखो अभी हमारी जिंदगी में जिंदा रहने वाली दुनिया खुली है, तो हमारे कपड़े अच्छे हो गए, गाड़ी अच्छी हो गई, मकान अच्छे हो गए, सड़कें अच्छी हो गई, एयरपोर्ट अच्छे हो गए। लेकिन जिसकी जिंदगी में भाव और विचार की दुनिया खुल गई, उसकी अपने से बात हो जाती है। जिसकी अपने से बात हो जाती है उसकी अपनों से बात हो जाती है। जिसकी अपनों से बात नहीं हुई इसका मतलब है कि अपने से बात नहीं हुई, इसका मतलब है कि भाव और विचार की दुनिया नहीं खुली, इसका मतलब है कि जिंदा रहने को जीना माना है, सुविधाओं को जिंदा माना है, पीएचडी करने को जीना माना है, है ना, संवेदनशीलता को जीना माना है, जो कि नहीं है। बढ़िया, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? और जिंदा रहने की दुनिया को चलाने वाला जीने की दुनिया ही है, भाव और विचार ही। बिना भाव और विचार के आप बाथरूम नहीं जाते, बिना भाव और विचार के खाना नहीं बनता, बिना भाव और विचार के आप कपड़े नहीं बदलते, सब कुछ भाव, छोटे से छोटे काम और बड़े से बड़े सारे काम भाव और विचार के साथ ही होते हैं। और उस चीज को, वो चीज हमको छोटी लगती है, पैसा हमको बड़ा लगता है, पद हमको बड़ा लगता है, भौतिक चीजें हमको बड़ी लगती हैं, गाड़ियां हमको बड़ी लगती हैं, जिस चीज से वो गाड़ी किसने बनाई होगी, तो कैसे बनाई होगी, किसी भाव विचार से ही बनाई होगी। तो मूल चीज को पकड़ लेंगे तो बाकी सारा है ना, रूट पकड़ लेंगे तो सारा फ्रूट पकड़ में आ जाएगा। हम कोई फ्रूट को अकेले अकेले पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो हाथ में नहीं आ रहा है। तो कहां पहुंचे इस चर्चा से, क्या 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 निकला, कौन बोलेगा? जितनी मैंने आपसे शेयर किया इस चर्चा से क्या निकला, कौन बोलेगा? कथा नहीं है ना, कथा मतलब सुनने से अच्छा लगा, क्या था वो नहीं पता। हाँ, सुनने से मोक्ष नहीं होता, ये तो समझ में आ गया कि नहीं आया? भागवत सुनने से मोक्ष होता है। इस देश में भागवत सुनने से मोक्ष हुआ होता तो जनसंख्या ऐसी नियंत्रित हो गई होती। तो भागवत सुनने से मोक्ष नहीं होता है, समझने से होने की संभावना है। बोलिए, कौन रिपीट करेगा? माइक। जीवन को समझना मूल तत्व है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, एकम्प्लिश हो जाता है, तो बाकी सब प्रॉब्लम्स है ही नहीं। ये बहुत अच्छा दृष्टिकोण है, सूत्र है, समस्या है तो समाधान है ही।
और समस्या मात्र इस बात की सूचना है कि अभी जिस राह पे आप चल रहे हो, हेलो, जिधर आप जा रहे हो उधर रास्ता नहीं है। या जैसे थोड़ा सा एग्जांपल ले लें और इस बात पे थोड़ी सी क्लैरिटी बना लें, जैसे शरीर में दर्द होता है, आजकल जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और एक आदमी को दर्द महसूस ना हो ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। तो शरीर में दर्द ना हो ये अच्छा रहेगा कि शरीर में दर्द हो ये अच्छा रहेगा? चोट लगने से शरीर में दर्द हो, बीमार होने से पता चले कि यार तबीयत ठीक नहीं है, गैस हो गया तो सर में दर्द हो जाए तो पता चले यार, तो ये हो कि ना हो? क्यों हो? इससे होने से परेशानी होती है। हाँ, ये नहीं होगा तो क्या होगा? फिर तो माँ ही पूछेगी बेटा हाथ कहाँ छोड़ा है, वो कहाँ कट के गिर गया आपको तो पता ही नहीं चला, है ना? तो चोट लगने से शरीर में दर्द होता है, कोई शरीर में प्रॉब्लम होने से शरीर में दर्द होता है, इसलिए हम स्वस्थ रहते हैं। माइक, क्वेश्चन है, मैं 40 साल की हूँ सपोज, मैंने धन को देखा, सपोज क्यों बोले? 40 नहीं हुआ अभी इसलिए मैंने धन के पीछे मेहनत करके देखा, पद के पीछे मेहनत करके देखा, रूप के पीछे मेहनत करके देखा, एट ऑल मटेरियल के पीछे मैंने मेहनत करके देखा, कुछ नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिली। फिर मैंने ढूंढा कि तृप्ति कहाँ है, तो बहुत बार किसी शिविर में गया, वो योगा है वैसे गए होंगे हम, फिर ये मिला वर्कशॉप तो यहाँ आ गए, पर वो मटेरियल को अनुभव से देखा कि वहाँ तृप्ति नहीं मिलती। बहुत बढ़िया, तो मुझे समझ में ये आ जाएगा अगर मैं समझू तो। बिल्कुल आएगा, पर 20 साल का या 25 साल का बच्चा है, उसने वो मटेरियलिस्टिक लाइफ अभी जी ही नहीं है, तो वो कैसे समझ पाएगा कि जीना ये है? हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हर आदमी पहले कुएं में गिरे, फिर वो हाय हाय करके चिल्लाए, फिर उसको कुएं से कोई बाहर निकाल दे, तो कुएं में नहीं गिरना है अपने को पता चल गया। पर बिना अनुभव के कैसे पता चले? ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने कल भी ये चर्चा आपसे किया था कि जितनी बड़ी कीमत चुका के, आज आपकी एज मान लीजिए 40, मान लीजिए 40 भैया इंटरनेशनल मर्यादा है कि महिलाओं की उम्र और पुरुषों का सैलरी नहीं पूछते हैं या कमाने वाले का सर्दी नहीं पूछता, ये भी समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बड़ी कीमत चुका के हम जो पा रहे हैं वो छोटा है। देखो, समझने लायक बात है, 2 + 2 = 4 होता है, इससे ये समझ में आता है कि जो 2 + 3 = 4 नहीं होता है, कि हम पहले ये समझे कि जो 2 + 3 = 4 नहीं होता है, 2 + 5 = 4 नहीं होता है, और इन्फिनिटी तक जाएं कि ये 4 नहीं होता है, और तब हमको समझ में आएगा कि 2 + 2 = 4 होता है। ऐसा हेलो होता, तो सही समझ में आने से भ्रम समीक्षित होता है, या भ्रम की समीक्षा करने से सही को पहचानते हैं। जिंदगी में सच्चाई कैसी है? सही की रोशनी में अधूरेपन को पहचानते हैं, या अधूरेपन को पहचान के सही को पहचानते हैं। जिंदगी में हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं? जैसे हमने मैथमेटिक्स पढ़ा तो उसका एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कई बार उसका गलत आंसर आता है, लेकिन एक बार उसका आंसर सही आ जाता है। एक बार सही आ गया तो फिर गलती करते हैं क्या? नहीं। तो एक बार सही तक पहुंचने के लिए हम कुछ गलती नहीं करते, हम एफर्ट करते हैं। अब एफर्ट किसकी गाइडेंस में करते हैं? किसी मैथमेटिक्स जिसको आता है उसकी गाइडेंस में करते हैं। यहां ये भी समझने लायक बात है कि हम गलतियों से सीखते हैं या हम सही से सीखते हैं। सही से बेसिकली। अभी हम कितने लोग ये मानते हैं कि हम गलतियों से सीखते हैं? सभी मानते हैं, जबकि ये झूठ है। हम गलतियों से नहीं सीखते हैं, हमने चलना सीखा। कैसे? क्योंकि घर में कुछ लोग 2 पैर से चलते थे। हमने बोलना सीखा क्योंकि कुछ लोग बोलते थे। हमने खाना सीखा क्योंकि कुछ लोग खाते थे। हमने मैथमेटिक्स सीखा क्योंकि कुछ लोग करते थे। हमने इंग्लिश सीखा
क्योंकि कुछ लोग को आती थी। ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जहां कोई जंगली जानवर बच्चे को उठा के ले गया और वो जानवर बच्चा जानवर की संगत में पला, वो चार पैर से चलता था, पशु की भाषा बोलता था, उसको ना भाषा आई ना दो पैर से चलना आया। इसका मतलब क्या हुआ? हम गलतियों से सीखते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की बात कर रहा हूं, हम गलतियों से सीखते हैं कि हम सही से सीखते हैं? सही से। हम जिंदगी में सही से सीखते हैं, गलतियों से नहीं सीखते हैं। देखो, जब मैं लेटा था सुबह तो ये बात मैं सुन रहा था, हो रही थी, पिछले 40 साल को देखो, हमारा मोबाइल बेहतर हुआ कि नहीं? हमारा बचपन में पूरे मोहल्ले में एक टेलीफोन होता था और जिसके पास टेलीफोन होता था वो पूरे मोहल्ले का VIP होता था और उसकी परमिशन लेके अपने विजिटिंग कार्ड पे PP नंबर लिखा करते थे। PP का फुल फॉर्म क्या था मैं भूल गया है? PP नंबर लिखते थे, उसको PP बोलते थे है? हाँ, ऐसे ही होगा, ऐसे ही कुछ होगा, पड़ोसी फोन है ना, तो PP नंबर लिखते थे और भाई साहब उसकी इतनी इज्जत करनी पड़ती थी क्योंकि उसकी में ही गलती, जब फोन आता था तो वो आपको घर बुलाने आता था, भाई साहब आपका फोन आया है ना, एक फोन की हालत ऐसी थी। गाड़ी तो 50 का सपना था, अपना घर हो जाए ये 50 के एज के बाद का सपना था, सब कोई अपनी गाड़ी का सोचते ही नहीं थे, और घर 50 के बाद अपना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम उस दौर से निकल के आए। आज पिछले 40 साल लौट के देखें, कितने लोग ऐसे हैं इस सभा में, उन्होंने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा पैसा आपके पास आ गया है, हाथ उठाइए, देखिए चारों तरफ हाथ उठा के देखिए, ये तमाम वोट, और ऐसे लोगों की समाज में संख्या की कोई कमी नहीं है जिन्होंने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा पैसा इनके पास आ गया है और ज्यादा कम उम्र में आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 40 सालों में हमारी रोड कैसी हुई है, पहले गड्ढों में रोड ढूंढना पड़ता था, हाँ 20-20 साल एक सड़क नहीं बनती थी, एक पीढ़ी रिटायर हो जाती थी, सड़क वहीं की वहीं रहती थी। आज 5 साल बाद किसी जगह में नए चले जाते हैं तो सड़कें बदल जाती हैं और आपको पता चलता है कि इधर से किधर जाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 40 सालों में रोड बेहतर हुई कि नहीं हुई? हुई। कपड़े, मोबाइल, गाड़ियां और क्या बोलूं, बाकी फिजिकल चीजें सारी, संबंध, ये क्यों नहीं हुआ? बल्कि संबंध की जगह में हमारा विश्वास ही टूट गया कि आदमी के साथ जिया जा सकता है, इसलिए लिव इन ठीक है, इसलिए शादी करने के पहले डिवोर्स की शर्तें पहले से तय करो ताकि कल को झंझट ना हो, कोर्ट में लंबे समय केस ना चले, है ना। जितनी क्वालिटेटिव चेंज हमने फिजिकल चीजों में लाया है उतनी क्वालिटेटिव चेंज हम संबंध में क्यों नहीं ला पाए? क्यों नहीं ला पाए, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे, कुछ तो बोलो माइक। बैकवर्ड उधर क्यों फॉरवर्ड हो गए? तो भौतिकता में फॉरवर्ड कैसे हो गए, यहाँ बैकवर्ड क्यों हो गए? और विचार के मामले में जो गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए वो हम नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? इसके बारे में मतलब वैसा सोचा ही नहीं उस दिशा में कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि परंपरा ने जो मेहनत किया, देखो आदमी जंगल में रहता होगा है ना, कौन सी चीजें खाने की है, कौन सी दालें हैं, कौन से अनाज हैं, कौन सी सब्जी है, धतूरा नहीं खाना है, क्या चीज खाने की है, क्या चीज नहीं खाने की है, इसको पहचानने में कितने हजार साल लगे होंगे। ये भाषा जो आज हम फटाफट बोलते हैं, एक बच्चा पैदा होता है 1.5 साल का बच्चा भाषा बोलने लगता है, ये 1.5 साल का बच्चा जो भाषा सीखता है ये भाषा को बनाने में कितने साल लगे होंगे? एक एक भाषा को बनने में हो सकता है कई 100 साल 1000 साल लगे होंगे। इसका मतलब है सही की परंपरा होती है, जो सही मानव जाति जिस सही को परंपरा में पहचान लेती है उसकी निरंतरता हो जाती है। हमने कपड़े पहचान लिए, कपड़े की निरंतरता है, मकान पहचान लिया, मकान की निरंतरता है, खाना पहचान लिया, खाने की निरंतरता है। क्या नहीं पहचाना? संबंध नहीं पहचाना, इसलिए संबंध में जूझ रहे। कुछ गलत हो गया ऐसा नहीं कह रहा हूं,
हम इवॉल्व हो रहे हैं, इवोल्यूशन की जर्नी में अब तक के इतिहास, तो मानव जाति के इतिहास की बात करें तो हमने जिंदा रहने पे विजय पाई है, जिंदा रहने में सफलता पाई है, और जिंदा रहने में सफलता पाके ये समझ में आ गया कि जिंदा रहना जीना नहीं है। आपके जैसे एक्सपीरियंस वाले कितने लोग होंगे? बहुत सारे लोग समाज में हैं जिन्होंने तमाम भौतिकता को भोग लिया है, धन को भोग लिया है, पद को भोग लिया है। हमारे परिवार में एक बेटा है, 29 साल का है, IIT मुंबई से बीटेक एमटेक किया, दिल्ली में जो 8 महीने जॉब किया, जॉब करके समझ में आया मजा नहीं आ रहा है जॉब। अच्छा 2 मिनट, पता चला कि मजा नहीं आ रहा है तो ठीक है, दिल्ली छोड़ के अपना रायपुर घर में आ गया। हम लोग ये सब काम करते ही हैं, उसको बचपन से वो देखते आया ही है। खाली रहेगा तो क्या करेगा, IIT का कोचिंग, बच्चों को आजकल IIT कोचिंग देते हैं, कोचिंग में 2-4 घंटे लगाना शुरू कर दिया। लोग बोले खाली बैठे हो कुछ तो करो, तुम इतना बढ़िया, तुम्हारे पास टैलेंट है, वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप पे एग्जाम, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देता होगा, वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप पे एडमिशन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। एडमिशन का टाइम आया, बोले नहीं करना है, देख लिया एजुकेशन के इससे क्या मिलने वाला है मेरे को पता है और मेरे को नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद लोगों ने कहा कि यार खाली बैठे हो अपना, आजकल कैट है ना, IIMs ये दे लो, बिना तैयारी के, बिना कोई खास तैयारी के, सामान्य तैयारी में कैट दे दिया 99.9, एडमिशन का टाइम आया बोले भी नहीं करना है। फिर शादी का समय आया, बोले IIT से शादी नहीं करना है, वो मेरे को बैंगलोर लेके जाएगी, मेरे को जाना नहीं है, मेरे को मेरे फार्म हाउस में रहना है, मेरी जिंदगी जीना है और मेरी तरह से मेरे को जिंदगी एक्सप्लोर करना है ना। तो शादी जिससे हो रही थी उसको पहले लोग अपने फॉर्म दिखा दिया, देख यहाँ पे रहना है, ऐसा जीना है, ये स्वीकार हो तो शादी करें। ऐसी एक लड़की मिल गई, उससे शादी कर लिया, और जहाँ रहना है वो 1000 की पॉपुलेशन का गांव है, मैं भी वहीं रहता हूँ। तो ऐसे तमाम IITian, कम से कम 5-6 बच्चे IITian हैं जो अपने रेगुलर जॉब्स में नहीं जा रहे हैं, जिनको समझ में आ गया है कि उसकी कुल हैसियत कितनी है और वो जिंदगी कहाँ तक जाती है, और आदमी बहुत बड़ी जिंदगी प्रोड्यूस कर सकता है, बहुत बेहतर चीजें प्रोड्यूस कर सकता है अपनी जिंदगी में यदि अपने तरीके से सोचता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस तरह का जो एज आज आपको मान लो 40 की एज में पकड़ में आ रहा है, अब एक नया वर्ग तैयार हो रहा है जो 30 की एज में ये कंक्लूड कर पा रहा है, पैसा देख लिया, फॉरन देख लिया, गाड़ी देख लिया, अब बोलो और क्या। और ऐसा एक वर्ग तैयार हो रहा है जो कहता है यार 40 तक कमाऊंगा, उसके बाद मेरे को जीना है।